हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए। 2016 में एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवाल, तो इसमें 60 शिफ्ट में 6000 एमसीक्यू के सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी के सवाल। तो ये कब है, 29 मार्च 2016 को पूछा गया था सवाल, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 को दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या था, दूसरा सवाल था जीएस का सवाल देखेंगे इसमें स्पेशल। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला सवाल क्या था, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य केरल में मौजूद था। तो सही आंसर ऑप्शन डी, केरल में कामरूप का प्राचीन साम्राज्य मौजूद था। अगला सवाल क्या था, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है, तो शब्द रडार का पूरा नाम क्या है, रेट्रो रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग रडार का फुल नाम है। अगला सवाल, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम में भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी, 6 पदक जीते थे भारत ने 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में। अगला सवाल क्या था, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था, तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 एंजेला मार्केल को घोषित किया गया था। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को 2015 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे बढ़ता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। अगला सवाल 12वां सवाल है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, तो डीपीटी में पी का मतलब क्या हो जाएगा, पार्टुसिस होता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, डीपीटी में पी का मतलब पार्टुसिस। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है, तो कौन सी भाषा जो लेखन में चित्राक्षर का उपयोग होता है, तो सही आंसर जापानी भाषा लिखने में चित्र के आकार का उपयोग होता है। अगला सवाल है, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, तो डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, तो सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक प्रकंद का एक उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है, अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। अगला सवाल क्या था, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो सूरज की रोशनी को उसको संगठक उसके संगठक रंगों में तो अपवर्तन के कारण विभाजित होता है, तो सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजन अपवर्तन के कारण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या है, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था, तो सही आंसर है मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम। अगला सवाल क्या है, प्रदूषण सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है, प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, तो प्रदूषण को SPM में मापा जाता है। तो इसमें SPM का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन बी क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM का फुल फॉर्म है और प्रदूषण को SPM में मापा जाता है। अगला सवाल है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। अगला सवाल क्या है,
31वां सवाल है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होती है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होती है। तो जीका वायरस मच्छर द्वारा मनुष्यों में फैलता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन गुणों में से सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आवेश किस में होता है? तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होती है। अगला सवाल क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का क्या नाम है? तो बेकिंग सोडा क्या है? तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। इसको इस न किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। इसको एक नाम से इसको साधारणतः खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा को। अगला सवाल, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन हो जाएगा आपका एक कार्बन का एक अपरूप हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए, ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। तो सही ऑप्शन ए, ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश अमरकोश है। तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन है? अमरकोश। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरकोश। अगला सवाल, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले जो पहिए बने थे वो लकड़ी से बने थे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले पहिए का निर्माण लकड़ी से हुआ था। अगला सवाल, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर लिमिट सितारों पर लागू होती है, यानी तारों की दूरी मापने में चंद्रशेखर लिमिट के प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, टमाटर क्या है? टमाटर एक फल माना गया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, टमाटर को एक फल माना गया है, सब्जी इसको नहीं है, फल फली भी नहीं है, खाद्य तना भी नहीं है। तो टमाटर को एक फल माना गया है। अगला सवाल 48वां सवाल था, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं। जो किस देश के से हैं? वो अमेरिका देश से हैं। और माइकल फेल्प्स किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तैराकी से, जो अमेरिका के हैं, जिसने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? गोल्डन शार्क भी बोला जाता है माइकल फेल्प्स को। अगला सवाल है, युयामी क्या है? युयामी क्या है? तो सही है ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, स्वाद का एक प्रकार है। युयामी स्वाद का एक प्रकार है। अगला सवाल देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर टेनिस प्रतियोगिता में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, उनसठवां सवाल था, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। तो बुर्ज खलीफा दुनिया की सर्वाधिक ऊंची इमारत है वर्तमान में। तो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। अगला सवाल क्या था, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर किसने जीता है? तो सही आंसर है सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है, लास्ट सफर किसकी रचना है? तो लास्ट सफर किसकी रचना है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची की रचना है द लास्ट सफर। द लास्ट सफर्स किसी रचना है? लियोनार्डो दा विंची। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगडम फ्राइड, जो एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे।
उनसठ उनहत्तरवां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो निम्नलिखित में से अधिकतम पैर किसके होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद, सहस्त्रपाद यानी मिलीपेड, जिसकी अधिकतम पैरों की संख्या होती है। अगला सवाल 71वां है, लीमर क्या है? लीमर क्या है? लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। अगला सवाल था, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन बी, बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। 75वां सवाल है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है? तो निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप के कारण बनने वाली प्रक्रिया है। अगला सवाल, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र सीमा क्या है? तो 65 वर्ष है रिटायरमेंट की उम्र सीमा उच्चतम न्यायालय की। अगला सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार उस समय क्या था, नसीम जेदी, और अभी वर्तमान में पूछे तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। अगला सवाल था, संतानवेवा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाती है। 98वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो सही है आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कमी होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अगला सवाल, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है मानी जाती है? तो भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो 30,000 साल पुरानी भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है। 16वां सवाल है, तो ये थे RRB NTPC 2016 में पूछे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपरेशन।